सिर डकैत धर्म से आजाद। रणवीर कपूर के नए फिल्म शमशीरा का टीजर देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टीजर का साउंड और एनिमेशन इतना विराट एहसास देता है जैसे इससे पहले SS राजामौली के बाहुबली ने दिया था। अगर टीजर जैसा ही फिल्म ट्रेलर और फिल्म को देखते हुए आया तो ये रणवीर के कैरियर की सबसे पॉपुलर फिल्म हो सकती है। शमशीरा की कहानी की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि ये फिल्म इंडिया के रियल रॉबिन हुड तांत्या भील पर आधारित है। तांत्या भील का नाम सबसे बड़े व्यक्ति के रूप में लिया जाता है, वे सबसे बड़े योद्धा थे। तांत्या भील के आदिवासी उन्हें देवता की तरह मानते थे। तांत्या भील में जानबाजी का अमित अध्याय बन चुके आदि विरोधी तांत्या भील अंग्रेजी दमन को ध्वस्त करने वाले जीत तथा संघर्ष के मिसाल हैं। तांत्या भील के शौर्य की छवियां वर्ष 1857 के बाद उभरी। तांत्या वास्तव में एक डकैत नहीं थे बल्कि एक विरोधी थे जिसने विदेशी सत्ता को उखाड़ने की कसम खाई थी। तांत्या एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते, वे लोगों के सुख और दुख में एक साथी बनने लगे। गरीबों की मदद करना, गरीब लड़कियों की शादी कराना, असहाय लोगों की मदद करना, तांत्या मामा सबके प्रिय बन गए। वह शोषित और उत्पीड़ित भीलों के नेता बन गए और वे लोग उनकी पूजा करने लगे। वह भूखे और शोषित आदिवासियों को अंग्रेजों की छत्र छाया में पनपने वाले जमाखोरों द्वारा लूटे गए सामानों को बांटा करते थे। लोग उन्हें राजा की तरह सम्मान देने लगे। उनके सेवा और परोपकार के गुण ने उन्हें जननायक पीपल्स हीरो बना दिया। तांत्या भील ब्रिटिश सरकार के सरकारी खजाने को लूटते थे और गरीबों और जरूरतमंदों में बांटते थे। वास्तव में वे मसीहा थे। उन्हें सभी आयु के वर्ग के लोगों द्वारा लोकप्रिय रूप से मामा कहा जाता था। तांत्या भील उन महानतम क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने 12 वर्ष तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। रणवीर कपूर अपने करियर में पहली बार डबल रोल शमशीरा और अपने पिता के भूमिका में होंगे। तांत्या के पिता ने लाठी फाइट के खेल और तीर कमान चलाने के लिए तांत्या को ट्रेंड किया था। तांत्या ने तीर अंदाजे में दक्षता हासिल की और लाठी चलाने की कला में भी महारत हासिल की। संजय दत्त फिल्म में मेन विलन के रोल में नजर आएंगे। संजय दत्त को गणपत का रोल दिया जा सकता है जिसने तांत्या के साथ विश्वासघात करके उन्हें गिरफ्तार कराया था। उन्हें इंदौर में सेंट्रल इंडिया एजेंसी जेल के ब्रिटिश रेसिडेंसी एरिया में रखा गया था और उसके ही कुछ दिन बाद उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी। आमतौर पर यह माना जाता है कि फांसी के बाद उनका शव इंदौर के पास खंडावा रेलवे ट्रैक पर पातालपानी रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया गया था। जिस स्थान पर उनके लकड़ी के पुतले रखे गए थे वहां तांत्या मामा की समाधि मानी जाती है। आज भी सभी लोको पायलट तांत्या मामा के सम्मान के रूप में एक पल के लिए ट्रेन रोक ही देते हैं। तो बात करते हैं फिल्म की लीड एक्ट्रेस की, तो रणबीर फिल्म में वाणी कपूर के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे। वाणी कपूर तांत्या भील की वाइफ कागज बाई के रोल में नजर आ सकती है। वाणी कपूर एक कलाकार के रूप में अपने लिमिट्स पुश करते हुए इस फिल्म के लिए कथक डांस फॉर्म की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है। तो बात करते हैं एक्टर रोनित रॉय की, रणवीर शमशीरा के मित्र का किरदार निभाते हुए नजर आ सकते हैं। शमशीरा फिल्म यशराज फिल्म्स के बैनर के तले बन रही है। इस फिल्म का बजट तकरीबन 150 करोड़ बताया जा रहा है। फिल्म के डायरेक्शन के बागडोर करण मल्होत्रा को सौंपी गई है जिन्होंने यशराज फिल्म्स के लिए 3 फिल्म डायरेक्ट करने का अनुबंध किया है। करण मल्होत्रा देसी फिल्म्स बनाने के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने अग्निपथ और ब्रदर्स जैसी फिल्में भी बनाई हैं। तो आइए जानते हैं शमशीरा के बारे में कुछ रोचक बातें। रणबीर कपूर के करियर की ये पहली पीरियड फिल्म है। संजय दत्त अपने करियर में पहली बार यशराज फिल्म्स में दिखेंगे। वाणी कपूर अपने करियर में पहली बार रणवीर कपूर और संजय दत्त के अपोजिट किरदार निभाएंगी। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के गोरेगांव स्थित फिल्म साइट में शमशीरा के शूटिंग के लिए एक बड़ा किला बनाया गया था। किले को बनाने में करीब 2 महीने का समय लगा था और तकरीबन 200 से 300 लोग के जरिए किले का सेट तैयार किया गया।
फिल्म की रिलीज की बात करें तो इस फिल्म की रिलीज 31 जुलाई 2020 को रखी गई है, पर इस लॉकडाउन सिचुएशन में इस डेट पर रिलीज होना नामुमकिन सा है। और भी मूवीज रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।